बाद हल्ला या फिर से तो थाने वाले फिर एसएचओ जो ना वो दरखास्त वसूल नहीं कराता और डेढ़ बजे फिर मैंने अपने कायदीन से रब्ता किया है और मैंने ये कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा। तो मीडिया के डर से उनने दरखास्त वसूल करके दिए, मगर ये साथ में कहा कि ये हम बाद में डी आई जी साहब के सामने पेश करेंगे, एसएसपी के सामने। मैंने कहा आपका एसएसपी तो बाहर खड़ा हुआ है, आप उनको बुला के ये सारी एविडेंस मौजूद है। फिर मैंने सवाल किया कि आप जो एफआईआर आपने अपने तरफ से काटी वो जरा मुझे कॉपी दिखा दे। आप यकीन करेंगे वो कॉपी भी मेरे पास अभी भी मौजूद है, उस कॉपी में कहीं किसी तरह से दोनों एमएनए का नाम मौजूद नहीं है। और पुलिस ने अपनी मुदाखलत और पुलिस कार्य सरकार जो कि 186 पीपीसी है जो कि अवेलेबल है उसके तहत ये एफआईआर दर्ज किए खानापुरी के लिए, इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए कि हमने एफआईआर कटे। हम इस पुलिस की, इस्लामाबाद की पुलिस की और इनकी गफलत की और इनकी बेजमरी का, इस एफआईआर को हम रद्द करते हैं, हम आपके सामने उसका टुकड़े करते हैं क्योंकि हम इसकी एफआईआर को नहीं मानते। हमारा एफआईआर काटा जाए एमएनए के खिलाफ, शहबाज गिल की, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और खुद वज़ीर आज़म के खिलाफ 109 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज चूंकि अभी तक नहीं किए है, राजा नज़ीर एडवोकेट, अब्दुलरहमान एडवोकेट और वहीद शाह मेरे साथ है, हमने अभी सेशन कोर्ट में कंप्लेन दाखिल कर दिए 22 ए की पिटीशन क्योंकि आगे 3 दिन छुट्टी आ रही है। तो हमें अदालत से तवक्को है और अगर सेशन कोर्ट ने मेरे दरख्वास्त रिजेक्ट की तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा, मगर इस कठपुतली और इन दहशतगर्द टोले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। जहां हमारे बच्चे महफूज नहीं है, जहां हमारे खवातीन महफूज नहीं है, जहां हमारे लेडीज एमएनए महफूज नहीं, इसके बावजूद कि हमने कराची गवर्नर हाउस भी देखा है, हमने एक एक एमएनए का एमपीए का घर भी देखा हुआ है, लेकिन हमें पार्टी की तरह से यह हिदायत है और हमारे ये तरबियत है कि हम खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते। आपके सामने नहते कल रात भी थाने गए, यहां भी मौजूद है और जिस तरह प्रोपेगेंडा करा था कि सिंध पुलिस की 400 लोग आ गए, आप मुझे बता दो आपको 400 नजर आए, मुझे तो 4-5 सिविल वर्दी में नजर आए, पता नहीं वो सिंध पुलिस के थे या सिंध हाउस के जो मुलाजमीन थे। तो ये सारा टोपी ड्रामा, ये सारी दहशतगर्दी इस हुकूमत की, कहते हैं जब चिराग बुझता है तो पड़पड़ाता है, इनके पड़पड़ाने का वक्त आ गया। और फिर जब ये इल्जाम लगा रहे थे कि सिंध हाउस में इन्होंने हमारे एमएनए छुपाया, तो आपने तो सुबह ही खबर चला ली है, आपने तो सुबह ही तमाम चलने खबर चला ली है, सच्ची है या सच्ची नहीं है कि वहां से वो लोग शिफ्ट कर गए। जब आपकी खबर अगर मैं सच में मान लूं और ये भी मान लूं कि वो एमएनए या मौजूद थे, तो वो तो आपने खबर चला ली है कि वो शिफ्ट कर गए, फिर उसके बाद क्या करने आए थे शाम 6 बजे? वो हमला करने क्या करने आते? वो हमला हमारे बच्चों के ऊपर करने आते, हमारे खवातीन के ऊपर करने आए, मगर फिर भी हमें पार्टी की तरह से ये हिदायत है कि हम किसी बच्चों किसी खवातीन के खिलाफ नाम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कि कल इनके एक एमएनए ने गाली गलौज की टॉक शो में, हमें गालियां दी, उसके बावजूद मैंने एफआईआर में उनका नाम नहीं दिया। नाम दिए तो उनके वजीरों का, मर्दों के खिलाफ, जो इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मेरा पैनल मौजूद है हमारे पार्टी के साथ ही, इंशाल्लाह हम उसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऑलरेडी 22 के पिटीशन राजा नज़ीर एडवोकेट के जरिए हमने फाइल कर दिए, उसके ऊपर हियरिंग अभी दोपहर में करते हैं या जब करते हैं वो आपके सामने होंगे। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा लीगल पॉइंट पर मैं बात करूँगा कि देखें ये जो एफआईआर सरकार की मदईयत में दर्ज हुई है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये लीगली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके खिलाफ है, कानून के खिलाफ भी है और हमारे बेसिक राइट्स के भी खिलाफ है। देखें कि यहाँ पे विक्टिम हम हैं, एग्रीव्ड हम हैं, एग्रीव्ड सिंध हाउस है, एग्रीव्ड हमारे एमएनएज हैं और यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनकी फैमिलीज हैं और मदई जो है वो सरकार इसकी बनेगी। मीनिंग देयर बाय कि ये चाहते हैं कि इनको मारें भी, इन पे अटैक भी इनके ऊपर करें, इन पे तशद्दुद भी करें, इनको हरास भी करें, इन पे अपनी दहशत भी कायम करें और फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हम अपने हाथों में लें, ऐसे नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम कोर्ट में आ गए और हमें उम्मीद है कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगी और इंशाल्लाह जो रियल कल्प्रेट्स हैं और जो असल एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ